नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। बहुत बहुत स्वागत है डियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी आपसे विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपके लिए बड़े ही यूजफुल और बड़े ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो डियर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए डियर्सन्स आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चले। तो चलिए डियर्सन्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है वह कौन सा? डियर्सन्स राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, थोरियम बी होगा आपका राइट आंसर। सेकंड देखिएगा, पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं, पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरिलियम व कार्बन से, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए थर्ड देखिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ संक्षारक है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जिंक ऑक्साइड, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, आयरन के प्रमुख आयसक हेमाटाइट का संरचना सूत्र होता है, तो क्या होता है? डिफरेंस ऑप्शन बी, Fe2O3, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डिफरेंस, दूध निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन सी, इमल्सन का, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, गैस भंडारण के लिए किस प्रकार का स्पीडन आदर्श होगा? तो राइट आंसर होगा डियर्सन्स ऑप्शन ए, समतापीय, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र हमने यहां पर बताना है, तो ऑप्शन ए, NaOH, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डियर्सन्स, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? कौन से प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? डियर्सन्स राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परभाजी आसवन, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? कौन से प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? डियर्सन्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, स्टाइरिन के अवयव है क्या है? डियर्सन्स, तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन डी, कार्बन, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 11 देखिएगा, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? डियर्सन्स ऑप्शन डी, प्लेटिनम, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है, हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है डियर्सन्स, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पारा, सी रहेगा आपका राइट आंसर। 73 देखिएगा, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है, कौन सी गैस होती है डियर्सन्स ऑक्सीजन के साथ? राइट आंसर रहेगा डियर्सन्स आपका ऑप्शन बी, हीलियम, बी होगा आपका राइट आंसर। 14 है, आग लगने तथा फैलने के सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है, कौन से पदार्थ में है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सूती, सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 15 देखिएगा, गैसोलीन का प्राय क्या है डियर्सन्स? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पेट्रोल, बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रबल अम्लों को रखने के मतबान निम्नलिखित के बने होते हैं, प्रबल अम्लों को रखने के मतबान निम्नलिखित के बने होते, किसके बने होते हैं? डियर्सन्स ऑप्शन डी, शीशा, डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 17 देखिएगा, वाष्प कणों के आकार की प्रास होती है, तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन ए, 10^-19 मीटर, ए होगा आपका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट है आपका 18 देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाला है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, फास्फोरिक अम्ल सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डियर सन्स, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है, तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, हेम्प यानी भांग बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त रसायन है, कौन सा रसायन है, ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डियर सन्स, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है डियर सन्स, राइट आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, कौन सी नस्ल है, जमुनापारी बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 23 देखिएगा, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है, जो मुर्रा है वो किस पालतू प्राणी की नस्ल है डियर सन्स, ऑप्शन बी भैंस की, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है, दूध में मिल्क में कौन सा तत्व है जो कम मात्रा में होता है डियर सन्स, ऑप्शन डी कोबाल्ट, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, सर्वाधिक पशुधन कौन से राज्य में पाया जाता है डियर सन्स, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है, किसकी उपस्थिति के कारण डियर सन्स जो दूध का रंग है वो क्या होता है, सफेद होता है, तो डियर सन्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी केसीन, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन फॉल नीमांकित में से किससे संबंध है, किससे संबंधित है डियर सन्स ऑपरेशन फॉल, राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दुग्ध आपूर्ति से, बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 28, दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है डियर सन्स, तो डियर सन्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 29 देखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डियर सन्स किसको कहा जाता है, राइट आंसर का ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, किस निम्नलिखित में से किसके दूध में जो वसा की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेडियर, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 31 देखिएगा, 31 क्वेश्चन एडिशन आपका, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बकरी को, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 32 देखिएगा, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है, राइट आंसर है एडिशन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एंग्लो नूबियन, डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 33 देखिएगा, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सानेन, ए होगा आपका राइट आंसर। 34 देखिएगा, मैरिनो क्या है, मैरिनो डियर सन्स क्या है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए भेड़, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 35 देखिएगा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा डियर सन्स, ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 36, अंडे देने वाला सतनधारी है, अंडे देने वाली सतनधारी कौन सा डियर सन्स, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डक वेल्ट प्लेटिपस, बी रहेगा आपका राइट आंसर।
चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 97। एपी कल्चर संबंधित है, एपी कल्चर डिस्टेंस किससे संबंधित है? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, मधुमक्खी पालन से, डी रहेगा आपका राइट आंसर। 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो कौन सा पशु है निम्नलिखित में से जो जुगाली नहीं करता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुअर, बी होगा आपका राइट आंसर। 9 आगे देखिएगा, 39 क्वेश्चन आपके लिए, लाल क्रांति किससे संबंधित है? 39 क्वेश्चन में आपने बताना है लाल क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, मांस उत्पादन से, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में होने वाला अफारा रोग का कारण है? तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका डियर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, प्रदूषित आहार, डी होगा आपका राइट आंसर। 41 देखिएगा, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है कितनी है डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.0 ग्राम, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 42, मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नांकित रोगों में से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंग रोग, सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 43 देखिएगा, एक छत्ता में रानी रे मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन ए एक होती है, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है, पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुअर, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 45, संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, श्वेत लेग हॉर्न, डी होगा आपका राइट आंसर। 46 देखिए, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेलोर, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 47 है, शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्बरी, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिएगा 48 देखिएगा, भारत में सबसे अधिक बकरियां कहां पर पाई जाती हैं? कहां पर पाई जाती है डियर फ्रेंड्स भारत में सबसे अधिक बकरियां? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है? कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंगथंगी, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? विश्व में, संसार में जो सर्वाधिक भेड़ है वो किस देश में पाई जाती है डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ए रहेगा आपका राइट आंसर। तो डियर फ्रेंड्स ये थे आज के आपके विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी आपसे विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो क्वेश्चन करवा चुके हैं वो आपके लिए बड़े ही यूजफुल और बड़े ही उपयोगी रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, तब तक डियर फ्रेंड्स सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।